नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष गुरु पंडित भरत सिरमाली। स्वागत करता हूं आज आपका YouTube चैनल लाइव ओके पर। आज अपन बात करेंगे कि जो करवा चौथ का जो व्रत है 17 तारीख को, उस दिन महिलाओं को ऐसी 8 कौन सी बातें हैं जिनका पालन करना चाहिए। प्रत्येक जो भी औरत है जो करवा चौथ का व्रत करती है, इन 8 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इन बातों का तो मुझे पालन करना ही है। फिर दूसरी 8 बातें ऐसी हैं जो भूल करके भी उस दिन नहीं करनी है, भूल करके भी उस दिन नहीं करनी है। ध्यान रखिएगा कि 8 बातें तो हैं अपने को पालन करने वाली, और 8 बातें ऐसी हैं जो अपने को भूल करके भी करवा चौथ के दिन नहीं करनी चाहिए। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ये वीडियो आप पूरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा और पूरा का पूरा सुनिएगा ताकि आप और भी अपनी सहेलियों को बता सके क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी बात आप बता सकें। तो शुरू करने से पहले एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली मुझे दिखा सकते हैं, आप अपने स्वयं की जन्म कुंडली मुझे दिखा सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई भी समस्या हो तो एक बार मुझे व्हाट्सअप अवश्य कीजिए कि पंडित जी ये समस्या है, उसका समाधान मैं आपको बताऊंगा। लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, उनका समाधान मैं बता रहा हूं, उनको समाधान हो रहा है, तो भगवान की कृपा से आपकी भी समस्या का समाधान हो उसके लिए मैं आपको जरूर बताऊंगा। जैसे ही वीडियो शुरू होता है तो उसके ऊपर मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर आप मेरे से व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए आज मैं जो लिख करके लाया हूँ वो आपको ध्यान पूर्वक सुनना है और पूरा वीडियो सुनना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, करवा चौथ के व्रत रखने वाली महिलाएं, पहली बात क्या है, करवा चौथ रखने वाली महिलाएं सिर्फ लाल रंग या पीले रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। इन दोनों रंगों को शुभ माना जाता है। जिनकी नई शादी हुई है वे शादी के जोड़े को इस दिन जरूर पहनना चाहिए। क्या बोला मैंने आपको, देखिए, करवा चौथ के व्रत रखने वाली महिलाएं सिर्फ और सिर्फ लाल रंग के कपड़े पहने, पीले रंग के कपड़े भी पहने, काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। और इन दोनों रंगों को शुभ माना गया, पीला और लाल रंग को शुभ माना गया। जिनकी नई शादी हुई है वे अपने शादी के जोड़े को इस दिन जरूर पहनना चाहिए। फिर दूसरी बात, महिलाएं सुबह उठ करके अपने घर में पति व बड़ों के पैर अवश्य छूने चाहिए उस दिन करवा चौथ। रोज यदि आप चरण स्पर्श करते हैं बड़ों के तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन करवा चौथ के दिन तो करना ही चाहिए। महिलाएं सुबह उठ करके अपने घर में पति देव के एवं अपने माता पिता के पैर एवं चरण स्पर्श जरूर करें। ऐसा करने से उनके परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहेगी और महिलाओं को ये व्रत बहुत ही ज्यादा फल देने वाला होगा। फिर तीसरी बात, करवा चौथ की कथा जरूर करें। करवा चौथ की जो कथा होती है वो अवश्य ही करनी चाहिए। महिलाएं घरों में इकट्ठा होकर के करवा चौथ की कथा करें और उस दिन केवल और केवल भजन कीर्तन ही करना चाहिए। फिर मैं आपको बताता हूँ चौथी बात, करवा चौथ पर सासू माँ की ओर से उनकी बहुओं को सरगी जरूर देनी चाहिए। सरगी में सासू अपनी बहू को नए कपड़े, श्रृंगार का सामान, मिठाई आदि दें और बहुएं सरगी में दी गई मिठाई से अपना व्रत खोलती हैं। फिर पांचवी बात, महिलाएं अपने पति की नजर उतारें। माना जाता है कि इस दिन ऐसा करने से उनकी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। फिर छठी बात, शाम को जब व्रत खोलें तो चंद्रमा को अर्घ देते समय चांद के सामने अपने पति का नाम व दीपक जलाएं। वापस बता रहा हूं छठी बात आपको, शाम को जब आप व्रत खोलें तब चंद्रमा को अर्घ देते समय चांद के सामने अपने पति का नाम व दीपक जलाएं। फिर सातवीं बात, महिलाएं पहले अपने पति के हाथ से पानी पिए और खाने का पहला निवाला पति को खिलाने के बाद ही उनके हाथ से अन्न ग्रहण करना चाहिए। महिलाएं पहले अपने पति के हाथ से पानी पिए, खाने का पहला नवाला पति को खिलाने के बाद ही उनके हाथ से अन्न ग्रहण करना चाहिए। फिर आठवीं बात, इस दिन अपनी सासू माँ का आशीर्वाद अवश्य लें।
क्योंकि बिना उनका आशीर्वाद लिए आपका करवा चौथ का व्रत अधूरा रह जाता है। तो जो ये 8 बातें मैंने आज आपको बताई हैं, उनको आप पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा और इनका पालन करना है आपको। फिर आपको करवा चौथ के दिन ऐसी 8 कौन सी बातें जो महिलाओं को भूल करके भी नहीं करनी है, ध्यान से सुनिएगा। महिला इस दिन सफेद या काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। इस रंग के कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। काले रंग का और सफेद रंग का कपड़ा इस दिन करवा चौथ के दिन नहीं पहनना है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, पहली बात। फिर दूसरी, व्रत रखने वाली महिलाएं दोपहर के समय बिल्कुल भी नींद ना लें। वहीं अगर घर का कोई सदस्य सो रहा हो तो उठाने की कोशिश ना करें। ऐसा कहा गया है कि करवा चौथ के दिन किसी को सोते हुए उठाना भी अशुभ माना जाता है। फिर तीसरी बात, महिलाएं करवा चौथ के दिन कथा के बाद शुभ बातें करें, किसी की चुगली ना करें, किसी की निंदा ना करें और किसी के बारे में अपशब्द ना बोलें, गाली गलौज बिल्कुल भी ना बोलें। फिर आपको बताता हूँ चौथी बात, करवा चौथ व्रत के दिन घर में कैंची का इस्तेमाल ना करें। घर में कैंची का प्रयोग करने पर अशांति का माहौल हो सकता है, ध्यान रखिएगा उस दिन कैंची का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर पांचवी बात, घर में महिलाएं किसी बड़े बुजुर्ग जैसे माँ हैं, सास हैं, ससुर हैं आदि का अपमान न करें। अगर ऐसा करती हैं तो आपका व्रत रखना व्यर्थ है, आप व्रत नहीं रख सकती है। यदि सास ससुर का आप मान सम्मान नहीं कर सकती हैं तो ये व्रत आपके लिए कोई काम का नहीं है। फिर छठी बात, करवा चौथ पर पति से झगड़ा न करें। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा करने पर आपको फल नहीं मिलेगा और पाप के भागीदार हो जाएंगे। फिर सातवीं बात, पति की सभी आज्ञा को मानने का प्रयास करें और करवा चौथ के दिन ऐसा करने से आपके लिए अति आवश्यक है। हर साल तो करना ही चाहिए, पूरे साल तो, लेकिन इस दिन तो कुछ ज्यादा ही करें। फिर आठवीं बात, अपने श्रृंगार का सामान महिलाएं ना किसी को दान में दें, न ही किसी से दान में लें, न किसी के साथ कोई वस्तु शेयर करें। अपने सुहाग की वस्तुएं किसी और औरत के साथ शेयर कभी भी भूल से भी नहीं करनी चाहिए। तो ये जो 8 बातें आज मैंने आपको बताई हैं, इनका आप पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा। जो मैंने आज आपको कहा है इन बातों को पूरा सुनिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा और करवा चौथ के दिन इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि पंडित जी ने बोला हाँ हो गया, नहीं, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब बातें शास्त्रों में लिखी गई हैं। तो इन बातों को ध्यान में रख करके आप करवा चौथ का व्रत करें। भगवान महादेव की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, यही हम ब्राह्मणों का आशीर्वाद है और आगे भी आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। इसी के साथ ही आज मैं आपसे इजाजत देता हूँ। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो आपका व्रत रखना व्यर्थ है, आप व्रत नहीं रख सकती है। यदि सास ससुर का आप मान सम्मान नहीं कर सकते हैं तो ये व्रत आपके लिए कोई काम का नहीं है। फिर छठी बात, करवा चौथ पर पति से झगड़ा न करें। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा करने पर आपको फल नहीं मिलेगा और पाप के भागीदार हो जाएंगे। फिर सातवीं बात, पति की सभी आज्ञा को मानने का प्रयास करें और करवा चौथ के दिन ऐसा करने से आपके लिए अति आवश्यक है। हर साल तो करना ही चाहिए, पूरे साल तो, लेकिन इस दिन तो कुछ ज्यादा ही करें। फिर आठवीं बात, अपने श्रृंगार का सामान महिलाएं ना किसी को दान में दें, ना किसी से दान में लें, न किसी के साथ कोई वस्तु शेयर करें। अपने सुहाग की वस्तुएं किसी और औरत के साथ शेयर कभी भी भूल से भी नहीं करनी चाहिए। तो ये जो 8 बातें आज मैंने आपको बताई हैं, इनका आप पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा। जो मैंने आज आपको कहा है इन बातों को पूरा सुनिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा और करवा चौथ के दिन इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि पंडित जी ने बोला हाँ हो गया, नहीं, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब बातें शास्त्रों में लिखी गई है। तो इन बातों को ध्यान में रख करके आप करवा चौथ का व्रत करें। भगवान महादेव की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, यही हम ब्राह्मणों का आशीर्वाद है और आगे भी आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। इसी के साथ ही आज मैं आपसे इजाजत देता हूँ। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, जय श्री